हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम जीत की दुनिया। और ये सुबह सुबह का टाइम है, यानी सुबह के बज चुके हैं। नो, बिल्कुल सुबह का भी नहीं है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अपना लंच वंच लेके चाय नाश्ता करके बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल। और अभी बच्चों के पापा करेंगे नाश्ता। अभी वो दुकान से आए हैं, नहाए हैं और अपना अब टीवी देख रहे हैं। टीवी चला के थोड़ी सी देर बैठते हैं जब वो उनका ये टाइम होता है टीवी देखने का, क्योंकि बच्चे होते हैं तब तो देखने नहीं देते हैं। और अभी अभी बस देखेंगे आधे घंटे करीब करीब, आधा पौना घंटा मिल जाता है उनको देखने के लिए टीवी भी। और अभी नाश्ता भी साथ साथ करेंगे और उनका लंच पैक मैं कर दूंगी अभी। तो रोटियां सेक लेती हूँ। और यहाँ रखा है मैंने तेल, जो रात में दो रोटी का जो मैदे का आटा बच गया था ना, उसमें मैंने अभी सूजी डाल दी है, मतलब आटे में अच्छे से मसल दी, मसल के। और ये नमक पारे निकाल लूँगी, काम आ जाएंगे, वरना आटा तो वैसे भी खराब ही जाएगा। और मैदा का किसी गाय वाय को भी नहीं खिला सकते, पेट वेट में दर्द हो जाता है। और हम भी नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों को भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा पेट में दर्द, तो इसलिए मैंने ये थोड़े से नमक पारे थे सूजी करके ऐड इसमें, और ये निकाल दिए। तो ये तो चाय के साथ फिर भी खाए जाएंगे। और सूजी काफ़ी दिन हो गए लाए हुए, तो वो बारिश के दिनों में वैसे भी हो जाती है, काफ़ी दिन नहीं भी हो तो भी, तो उसमें हो गए हैं छोटी छोटी सी, जैसे सुरहरी बोलते हैं हमारे, तो आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप बताना क्या बोलते हैं आपके। हम तो सुरहरी बोलते हैं, जैसे गेहूं वेहूँ में भी हो जाती है, वो वाली हो गई है दो चार। तो वो अभी मैंने साफ करने के लिए धूप में डाल दी है, और ये भी मैं निकाल दूंगी साथ साथ ही। ये मेरी रोटी भी सूखती जा रही है, और साथ ही दे दूंगी मैं पति देव को नाश्ता। ये धीमी धीमी गैस पे बनते रहेंगे, मैं इतने नाश्ता दे आती हूँ। चाय वाय तो वो पीते नहीं है, इसलिए चाय नहीं दूंगी। सब्जी, ये छोले की सब्जी है जो रात में बनी थी वही। और रोटी ये दे देती हूँ मैं पतिदेव को, बस यही खाते हैं वो। नहीं बड़ी नहीं बनी, कौन सा प्लास्टिक वाला है, छोटी वाली का है प्लास्टिक वाला। तो आ रही है ना आवाज, भरने भर जाएगी, अभी भर जाएगी, भर जाती है तो, अगर मोटर चल रही होती, लेकिन हाँ, मोटर वो खराब हो गई ना, मोटर ही नहीं चली। हाँ, चाचा ने चलाई। तो ये थी मेरे जेठ की लड़की, और वो पूछ रही थी टंकी भरी है कि नहीं भरी ऊपर, लेकिन नहीं भरी है टंकी, क्योंकि सुबह हो रही थी मोटर खराब, और वो थोड़ा सा अब ठीक करी है तब चली है। और अब पानी जाने को भी है, दो टंकी है, एक छोटी बड़ी, तो एक तो छोटी वाली भर गई है, बड़ी वाली नहीं भरी है। तो वही पूछने आई थी, चाची भर गई क्या, मैंने कहा बेटा अभी नहीं भरी है, अभी भर जाएगी तो मैं आवाज़ लगा दूंगी कि हाँ भर गई है। तो वही है, और गर्मी हो गई है दोबारा से, तीन दिन तो बारिश आई है इतनी, तीन दिन तो ऐसे छुट्टी कर दी, पता नहीं सरकार ने कितनी जोर की बाढ़ आ रही है बच्चों की, और जबकि बारिश आई भी नहीं है, जब छुट्टी थी बच्चों की तो आई भी नहीं है बारिश, और जब जा रहे थे स्कूल तो आई भी थी बारिश, और अब फिर से धूप इतनी तेज आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में। और आज मैंने किचन में गैस गैस जो है वो रख ली, रात में रख ली थी, क्योंकि बारिश मुझे लग रहा था कि हाँ रुक गई है, अब नहीं आएगी, दो चार दिन तो आएगी नहीं, और आएगी तब देखी जाएगी, फिर से उठा के ले जाएंगे, क्या करें, अब यही लिखा है तो यही करेंगे, और क्या करेंगे, नसीब अब है ना, नसीब के आगे क्या जोर है, जैसा ऊपर वाला रख रहा है वैसा रह रहे हैं, तो यही है। अब ये सारा हो रहा है, टूट रहा है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ले जाएंगे, जब बारिश आएगी तो गैस को उठा लेंगे यहाँ से और बाहर बरामदे में ले जाएंगे, तो यही है। अभी मैं इनका कर देती हूँ लंच पैक फटाफट से, क्योंकि ये अब नाश्ता कर रहे हैं, जाएंगे बस, फिर उसके बाद मैं बाकी के साफ सफाई के जो काम होते हैं बाकी के, वो सभी काम मैं करूँगी। बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख ही दिए हैं लगभग सारे बर्तन किचन के,
धोने के लिए, तो अभी धो दूंगी, बस थोड़ी सी देर और है, फिर उसके बाद तो मैं कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ अपने किचन के काम सारे। और आप बने रहिए ब्लॉग में। सारा कुछ बेकार करते हैं। ये क्या है? ये राइस खाया हो गया। अरे अच्छा लग रहा है? हाँ। हैं? दोनों ले। अच्छा मान चुका हूँ। अभी सजाई। पापा कभी दे थे इसे? क्या दे दे? ऐसे थैंक यू बोल, गिफ्ट ले उसका, उसने तेरे लिए किया, ग्रीटिंग बनाया, प्यार से दिखा, पढ़ रही है, दिखा 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 भाई, ये देखो भूमि ने अपनी छोटी बहन के लिए ग्रीटिंग बनाया है, ये देखो ये बोलते नहीं क्या लिखा है भूमि इस पे, हैप्पी बर्थडे पूर्वांशी 11 जुलाई। तो ये वो इसका कल बर्थडे पे गिफ्ट लेके आए थे, वही गिफ्ट है। और ये देखो बहुत कितने एक्साइटेड है और कितने खुश हो गए हैं ना। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो बच्चों को कर देते हैं, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है बर्थडे पे हम से, लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा खुश करने के लिए थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। और भूमि ने इसे कार्ड बना के दिया था और वो सबके बर्थडे पे कार्ड बनाती है, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती है, जैसा भी उससे होता है वो करती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब